सोलन में नगर निगम चुनावों के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं। पिछले कल कांग्रेस विधायक धनीराम शौंडिल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 25 वायदे कांग्रेस ने सोलन की जनता से किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा वायदा शहरवासियों को प्रतिदिन पानी देने का किया है। कूड़ा प्रबंधन को दुरुस्त करने का वायदा भी उनके द्वारा किया गया। शहर में पार्किंग बनाने के लिए भी उनके द्वारा घोषणा की गयी। वही कांग्रेस के इस घोषणा पत्र सोलन के प्रभारी एवं नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल हवा में ही चुनावी घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में वे ये बताएं कि सोलन के विकास के लिए कहां से पैसा लाएंगे। अगर वे अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए भाजपा पर ही आश्रित हैं, तो सोलन की जनता कांग्रेस पर अपना भरोसा कैसे जताएगी। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता बेहद समझदार है और वह जानती है कि सीधा भाजपा को ही जीता कर सोलन का चहुमुखी विकास करना है। और स्वागत करना आज की इस पत्रकार वार्ता के लिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, विशेष आदरणीय कटवाल जी, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष जी, मीडिया से करण नंदा जी, आईटी से। आज का विषय आप सब लोग जानते हैं, सोलन के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव है 7 तारीख। जब हम अपनी तरफ देखते हैं, उसके साथ ही साथ जब हम दूसरी तरफ विपक्ष में देखते हैं, विपक्ष में ना आपको कोई नीति नजर आती है। हमारे कुशल जेठी जी जो हाल ही में हमारे कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस की विचारधारा में जिन्होंने और सभी दूसरे गणमान्य नेता का और जिनके नाम रह भी जाते हैं, क्षमा करिए, बहुत हमारे नीतियों के जो हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार सभी हमारे साथियों को, जब भी हम इस प्रकार के माहौल को देखते इकाई बन रही हो, लोकसभा जो लोगों